क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 से 23 के लिए है, जो आपका 23 में एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका है चैप्टर 4 का। इसका दो, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। टू टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको आप एक बार जरूर देखिए। हम लोग का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये टाइप नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स देन k = 1। यानी कि k = हमें बताना है क्या होगा, जबकि दिया हुआ इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और दिया हुआ है इक्वल इसके रूट्स हैं। फिर से सुनिए, अगर इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है इसके रूट्स इक्वल हैं, तब हमारा के का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होगा, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है चैप्टर नंबर 4 के, यहाँ पर जो होता है वो हम बता दें कि अगर d = फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, b² - 4ac, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन केस होते हैं, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, तब हमारा जो रूट्स होता है वो होता है रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल ये होता है, ठीक है। सेकेंड केस में होता है कि अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारा होगा जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड केस है कि अगर डी अगर 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, डी लेस देन 0, तब हमारा जो रूट्स होगा वो नो रियल रूट्स होगा, ठीक है, नो रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो जो हमारा रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी। ये आपको नया शब्द लग रहा होगा शायद, पर नहीं, नया शब्द है नहीं, इसमें है आर एस अग्रवाल बुक में है इसकी चर्चा को, वैसे भी आप खैर 11 में इसको पढ़ेगा ही। तो चलिए, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इससे अगर ये आपको कंफर्म है तो ये सारे क्वेश्चन आज के बनेंगे, जो भी क्वेश्चन लिए डिफरेंट है, और इसका सेम क्वेश्चन वगैरह हम आपको होमवर्क में दे देंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझा दिए, रूट्स कैसा है, इक्वल है। तो बताए जब रूट इक्वल होता है तब क्या होता है, देखिए हम अभी बताए हैं तीनों केस में, तो हमारा रूट इक्वल है तो रियल एंड इक्वल तो होगा ही, ये दिया हुआ है। यहाँ पर हमें के का वैल्यू निकालना, मतलब डी इक्वल टू होती है 0 अगर इक्वल और इक्वल रूट्स हैं, तो हमारा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ से आप चुनिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसमें b का वैल्यू है 6k, और यहाँ पर ये a का वैल्यू है 9, और यहाँ पर ये c का वैल्यू है 4, तो ये b का वैल्यू है। इसको इस पर बैठाते हैं, इतना इक्वल टू है हमारा 0, ठीक है, तो इस पर बैठाते हैं, तो b² तो 6x² यानी कि 6k² होगा -4 * a, ए का वैल्यू हमारा 9 * c, सी का वैल्यू है 4, इसको ऐसे, ठीक है, बैठा दें। अब इसको कीजिएगा, जब सोल्व कीजिएगा, इसको ऊपर करते हैं सोल्व, ये हो जाएगा 36k² माइनस, यहाँ भी हो जाएगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36। इसको हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये अपने सुविधा के लिए, ये अभी उसको उधर भेजेंगे तो ये कटेगा, इसलिए हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हो जाएगा 36k² और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 * 36, तो k² ये 36 और ये 36 हुआ कैंसिल, तो k² = 4, यानी कि k = आ जाएगा हमारा ±2। तो देखिए, +-2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर c। तो आई होप आपको समझ में आया होगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ द इक्वेशन ये दे रखा है, ये अलग क्वेश्चन है, इससे आपको सेम क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, हैज इक्वल रूट्स, रूट्स इसका इक्वल है, इसका मतलब क्या कि डी होगा हमारा जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होगा। तो चलिए बैठाते हैं, तो ये है हमारा यहाँ पर ए का वैल्यू मिलता है, ए का वैल्यू यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं मतलब वन है। इसके बाद बी, ये आपको जो दिख रहा है ये टोटल के टोटल बी है, ये बी हो गया हमारा, और यहाँ पर है सी, ये नाइन के हो गया हमारा सी, बैठा देते हैं इस पर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि बी का वैल्यू उतना है, इसको आप बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा टू के प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, फोर ए, एक के जगह पर कितना है, एक के ऊपर वन है, इंटू सी के जगह पर नाइन के है, ठीक है, इतना है समझ में। चलिए अब इसको करते हैं, तो दो का स्क्वायर तो चार हो जाएगा, ठीक है, और के प्लस टू का स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो के स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो यहाँ हो जाएगा फोर के प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर यानी कि फोर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखे थे नाइन के स्क्वायर लिखे थे फोर, तो ये हो जाएगा फोर और नाइन हो जाएगा, ये नाइन के स्क्वायर नहीं है, ये नाइन के, तो इसको डायरेक्ट हम छत्तीस लिख दे रहे हैं, थर्टी सिक्स के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इधर इक्वल टू में जीरो है तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जगह फोर के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन के प्लस सिक्सटीन, और आप के स्क्वायर को इधर यहाँ देख के सॉल्व करेंगे, ये हो गया इक्वल टू जीरो, ये सिक्सटीन के और ये थर्टी सिक्स के, इसको करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा होगा ऊपर बनाते हैं, ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर, और यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा माइनस में, और जब माइनस में बचेगा तो हमारा होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा जीरो, और ये हो जाएगा टू ट्वेंटी के बचेगा प्लस में सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। अब इसको आपको के का वैल्यू ही निकालना है, तो इसको हम लोग करेंगे और ब्रेक, तो यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन क्या मिला, फोर मिल रहा है, फोर मिल रहा है, तो आप फोर निकाल दीजिए, के स्क्वायर माइनस फाइव के प्लस फोर इक्वल टू जीरो उधर कर दें तो जीरो हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है, इसका आंसर जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, तो बिल्कुल भी मत करो, समझ में आएगा नहीं समझ में तो बताएगा, हम इसको और अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए इसके बाद है, इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको ब्रेक करना तो आता ही होगा आपको, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है, इसको क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर के स्क्वायर आएगा। अब आपको इसको ऐसा दो पार्ट में बांटना है, ताकि आप अगर इसको ऐड या सबट्रैक्ट कर तो आपको ये बीच वाला मिले, और मल्टीप्लाई करने पर फिर से इतना मिलना चाहिए, तो ये मिलेगा आपको अगर वन के लिखिए और फिर फोर के, तो यहाँ पर दोनों माइनस में, यहाँ पर लिख दीजिए के स्क्वायर माइनस के माइनस फोर के प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर के के माइनस वन, और यहाँ से जब कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस फोर निकाल दीजिए, के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है हमें, ये सेम वाला को एक को ब्रेकेट में लिखेंगे, और ये जो इसका है इसको जब लिख दें तो कॉमन निकल गया, इसके बाद ये हो गया इक्वल टू जीरो। यहाँ के का वैल्यू आ रहा है एक वन और एक आ रहा है फोर, वन और फोर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ये हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन बताए कौन सा सही होगा, ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें ब्रेक करना पड़ा, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि टफ जितना ही टफ बनाएगा उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री है,
थ्री क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन इसका दिया है, ए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, आर रियल एंड इक्वल। तो बताइए जब इसका ये किसका फॉर्मूला है, डी डी फॉर होती है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविध कर, इसको हिंदी में विविध कर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। फिर आपको ये डिस्क्रिमिनेंट आगे भी मिलेगा पढ़ने के लिए, 11 12 में भी है। चलिए तो इसका कब होता है, जब हमारा देखिए तीन कैसे बता चुके हैं रियल और इक्वल में, तो ये तब होता है जब हमारा डी इक्वल टू जीरो हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर बोल दिया कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब कि रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हमें बोला गया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है आर, क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले हमें जाना पड़ेगा डी, कि डी का वैल्यू इनमें से क्या है, सॉल्व करते हैं। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू कितना है बता दीजिए, बी का वैल्यू है सिक्स, नहीं ये माइनस जो चिन्ह है ना साथ में बोलिएगा माइनस सिक्स, तो बैठा दीजिएगा तो माइनस या प्लस, खैर तो डी आप निकाल सकते हैं क्योंकि माइनस रहे या प्लस रहे स्क्वायर तो प्लस में आएगा, पर आपको अगर जब निकालिएगा इसका एक्स से निकालेगा, जब इसका रूट से निकालेगा तब वहां पर आपको दिक्कत होगा, इसलिए माइनस सिक्स बैठा दीजिए। माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए का वैल्यू आपका टू और सी का वैल्यू है सेवन, तो बैठा दीजिए इसको सेवन, तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो गया 8 सेवन जो 56। अब इसको जब सेपरेट किया तो आएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि डी का वैल्यू आ रहा है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में क्या होता है, नो रियल रूट्स, इसका नो रियल रूट्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन थे। अब आप लोग के होमवर्क के बारे, तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बन रहेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आपको देते हैं होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क का दो क्वेश्चन है आपके लिए जो कि बता चुके हैं, ये सब इजी था इसलिए हम आपको नहीं बताएं, क्योंकि आप इतना खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा, अगर इसमें कहीं दिक्कत परेशानी होगा तो आप जरूर कहिएगा, हम उसको सॉल्व करने या बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्टिव आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।